Hello and good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Avision Institute, a vision for government jobs. तो आज का जो सेशन है दैट इज करंट अफेयर्स ऑफ 28 जून. तो आज हम इस सेशन में देखेंगे 28 जून के करंट अफेयर्स के ऊपर बेस करके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो चलिए देखते हैं कौन सा 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश. बांग्लादेश के आर्मी चीफ के रूप में कौन नया अपॉइंट किया, किसको नया अपॉइंट किया गया है. इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, ऑप्शन ए बिलाल सफीकुल हक, ऑप्शन बी अजीज अहमद, ऑप्शन सी इकबाल करीम भुइया, ऑप्शन डी मोहम्मद अब्दुल मुबीन एंड ऑप्शन ई हसन महसूद चौधरी. तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी अजीज अहमद. बांग्लादेश अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल अजीज अहमद एज न्यू आर्मी चीफ. बांग्लादेश ने क्या किया है, उनका जो लेफ्टिनेंट जनरल अजीज अहमद था उनको एज ए न्यू आर्मी चीफ नियुक्त किया है फॉर अ 3-year tenure, 3 साल के लिए. वो क्या करेंगे, ही वुड सक्सीड जनरल अबू बेलाल मोहम्मद सफीकुल हक. अबू बेलाल मोहम्मद सफीकुल हक जो इसके पहले आर्मी चीफ थे उनकी जगह पे वो अभी आर्मी चीफ बनेंगे. हु इज सेट टू रिटायर ऑन जून 25 को अबू बेलाल मोहम्मद सफीकुल हक रिटायर करेंगे. द सेकेंड क्वेश्चन इज, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स हाउ मच अमाउंट टू इम्प्रूव प्राइमरी एजुकेशन इन बांग्लादेश. बांग्लादेश का जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट अप्रूव किया है. तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए $500 million, ऑप्शन बी $600 million, ऑप्शन सी $800 million, ऑप्शन डी $700 million एंड ऑप्शन ई $750 million. इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी $700 million. The World Bank has approved $700 million to improve the primary education sector in Bangladesh. Bangladesh का जो primary education sector है उसको improve करने के लिए World Bank ने $700 million approve किया है. It will also finance implementation of the government's fourth primary education development program. Government का जो fourth primary education development program है ये उसको भी finance करेगा. This project will build around 95,000 classrooms, teachers' rooms and multipurpose rooms. It will also build 80,000 water, sanitation and hygiene blocks and 15,000 safe water sources. The project will provide recruitment to about 1 lakh teachers. बढ़ते हैं next question की तरफ. The next question is, who has been elected as president of Colombia? और इसका जो option है वो हो जाएगा, option A Ivan Duque, option B Juan Manuel Santos, option C Alvaro Velez, option D Gustavo Petro and option E none of these. तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है इवान ड्यूक. इवान ड्यूक विंस इलेक्शन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया. इवान ड्यूक कोलंबिया का प्रेसिडेंट बने हैं इलेक्शन जीत के. इवान ड्यूक द कंजर्वेटिव पॉलिटिकल न्यूकमर वाज इलेक्टेड एज कोलंबियाज प्रेसिडेंट ऑन जून 17. ही रिसीव्ड 54% ऑफ द वोट इन रन ऑफ इलेक्शन. जो इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन में 54% वोट को लेके इवान ड्यूक विनर बने हैं और प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्टेड हुए हैं. और मार्टा लुसिया रेमिरेज विल बिकम कोलंबियाज फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट. मार्टा लुसिया रेमिरेज जो कि वाइस प्रेसिडेंट बने हैं एज वो कोलंबिया के फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सिलेक्टेड हुए हैं. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल बी द सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया हेल्ड. वर्ल्ड फूड इंडिया का सेकेंड एडिशन कहाँ पे होगा. इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी नागपुर एंड ऑप्शन ई जयपुर. तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी न्यू दिल्ली. यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल अनाउंस दैट वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 विल बी हेल्ड एट विज्ञान भवन एंड राजपथ लंच इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 1-4 November 2019. यूनियन मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने क्या अनाउंस किया है वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 कहां पे होगा, विज्ञान भवन एंड राजपथ लॉन्स में जो कि न्यू दिल्ली में है, और कब होगा 1-4 November 2019. इट विल बी द बिगेस्ट गैदरिंग ऑफ ऑल ग्लोबल एंड डोमेस्टिक स्टेक होल्डर्स इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर. दिस विल बी द सेकेंड एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया. फर्स्ट वॉज हेल्ड इन 2017. ये वर्ल्ड फूड इंडिया का सेकेंड एडिशन है. फर्स्ट एडिशन कितने साल में हुआ था, 2017 में हुआ था. और यहाँ से क्वेश्चन और भी आ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पे है. मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. और ये कब फाउंडेड हुआ था, ये फाउंडेड द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडिया वॉज फाउंडेड इन 1988. बढ़ते हैं आज के सेशन के पांचवा क्वेश्चन की तरफ. तो द फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हिच डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड एज ऑटिस्टिक प्राइड डे.
ऑटिस्टिक प्राइड डे किस दिन पे मनाया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए 16th जून, ऑप्शन बी 17th जून, ऑप्शन सी 19th जून, ऑप्शन डी 18th जून एंड ऑप्शन ई 20th जून। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 18th जून। ऑटिस्टिक प्राइड डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन 18th जून एवरी ईयर। हर साल 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। ऑटिस्टिक प्राइड डे रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइड फॉर ऑटिस्टिक्स। इस डे किस लिए मनाया जाता है? जो प्राइड है ऑटिस्टिक्स का जो प्राइड है उसके लिए मनाया जाता है। एंड अंडरस्टैंड्स इट्स नॉट एज अ डिजीज बट एज अ डिफरेंस। ऑटिस्टिक प्राइड डे वॉज इनिशिएटेड बाई अ ग्रुप दैट रेजेस पब्लिक अवेयरनेस अबाउट ऑटिज्म राइट्स। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज Where was the 10th edition of Regional Griha Summit held? Regional Griha Summit का जो 10th edition है वो कहाँ पे होगा? Option A Bengaluru, Option B Nagpur, Option C Hyderabad, Option D Kanpur and Option E Tamil Nadu। तो इसका जो answer है वो हो जाएगा Option B Nagpur। The 10th edition of Regional Green Rating for Integrated Habit Assessment Summit। तो Griha Summit का full form क्या है? Green Rating for Integrated Habit Assessment 2019 was held in Nagpur, Maharashtra। महाराष्ट्र के नागपुर में 10th edition जो कि गृह समिट का इस साल हुआ है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी एड्रेस्ड द मीटिंग। द थीम ऑफ दिस ईयर समिट वॉज ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजीज फॉर बिल्ड एनवायरनमेंट। इस साल का जो थीम था वो क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजीज फॉर बिल्ड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज अपनाया जाए? The summit was organized with the help of the Public Work Department, जो कि PWD Department बोला जाता है, of the state government. Moving on to the seventh question. The question is, India along with which country carried out a coordinated Operation Sunrise 2? India और कौन से देश के साथ मिलकर एक operation जिसका नाम है Operation Sunrise 2 ये किया है? तो इसका जो option है वो है, option A Bangladesh, option B Srilanka, option C Myanmar, option D China and option E Russia. तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी म्यांमार। द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड म्यांमार कैरिड आउट अ 3 week लॉन्ग कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन फ्रॉम 16th May इन देयर रेस्पेक्टिव बॉर्डर एरियाज नेम्ड ऑपरेशन सनराइज 2। इंडिया और म्यांमार का जो आर्मी है उन्होंने क्या किया है? 16th May से एक 3 week लॉन्ग ऑपरेशन किया है जिसका नाम है ऑपरेशन सनराइज 2। कहाँ पे किया है? अपने अपने बॉर्डर एरियाज पे। दे टारगेटेड द मिलिटेंट ग्रुप ऑपरेटिंग इन मणिपुर, नागालैंड एंड आसाम टू बस्ट टेरर कैंप्स। उन्होंने क्या किया? जो मिलिटेंट ग्रुप मणिपुर, नागालैंड और आसाम से ऑपरेट करते हैं उन लोगों का जो टेरर कैंप है उनको उड़ाने के लिए ये मिशन किया है। तो आज के सेशन का 8th क्वेश्चन है, Who has been appointed as new brand ambassador of Hero MotoCorp? तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए पॉल पोगबा, ऑप्शन बी येडी मीना, ऑप्शन सी एमएस धोनी, ऑप्शन डी लियोनेल मेसी एंड ऑप्शन ई विराट कोहली। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी येडी मीना। इंडियाज लीडिंग टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड अपॉइंटेड कोलंबियन प्रोफेशनल फुटबॉलर येडी फर्नांडो मीना गोंजालेस एट इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। कोलंबिया का प्रोफेशनल फुटबॉलर जो है येडी मीना, उनको इंडिया का जो लीडिंग टू व्हीलर कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प, उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। येडी मीना हैज द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट गोल्स इन ए सिंगल वर्ल्ड कप बाय अ डिफेंडर। येडी मीना का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है एज ए डिफेंडर एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने का। कौन से वर्ल्ड कप में? 2018 फीफा वर्ल्ड कप जो कि रशिया में हुआ था। ही करेंटली प्लेस फॉर इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब एवर्टन। इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो क्लब है एवर्टन, वो अभी उसी क्लब के लिए खेलते हैं। तो आज के सेशन का जो 9th क्वेश्चन है दैट इज हु हैज ओन द एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप इन चाइना। चाइना में जो एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप हुआ वो किसने जीता? ऑप्शन ए निहाल सरीन, ऑप्शन बी आर्यन चोपड़ा, ऑप्शन सी दीप सेनगुप्ता, ऑप्शन डी अभिजीत कुंते एंड ऑप्शन ई कृष्णन शशिकिरण। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए निहाल सरीन। निहाल सरीन ओन ब्लिच इवेंट एट एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप इन चाइना। Nihal Sarin, a 14-year-old Indian chess grandmaster, has secured a win at the Asian Continental Chess Championship in China. He scored 8 points from 9 rounds of the event. उन्होंने जो इवेंट का जो 9 rounds था उसमें 8 points स्कोर किया है, which means that he ended the tournament with a lead of full point. And the last question of the session is, which of the following day has been observed as World Gastronomy Day? इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 19th जून, ऑप्शन बी 18th जून, ऑप्शन सी 21st जून, ऑप्शन डी 20th जून एंड ऑप्शन ई 17th जून। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 18th जून। तो ये वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे
कब सेलिब्रेट किया जाता है? 18 जून। तो पहले हमको यह जानना है कि गैस्ट्रोनॉमी का मीनिंग क्या है। द मीनिंग ऑफ गैस्ट्रोनॉमी इज द आर्ट ऑफ चूजिंग कुकिंग एंड ईटिंग गुड एंड हेल्दी फूड्स। तो ये सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे क्या है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे वॉज ऑब्जर्व ऑन जून 18, 2019 अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जून 18 को वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है। इट हाईलाइट्स द नीड टू फोकस द अटेंशन ऑन द रोल दैट सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी कैन प्ले। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी क्या रोल प्ले कर सकता है, इस पे अटेंशन रखने के लिए ये दिन मनाया जाता है। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA का फुल फॉर्म क्या है? द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड टू सेलिब्रेट जून 18 एज सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जून 18 को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में पालन करने का निर्देश दिया था। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी प्लेज अ मेजर रोल इन प्रोमोटिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन एंड द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आज का जो सेशन है ये यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है ये जो सेशन है ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।